गंगागिर आतंकी हमले की जांच शुरू, एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिब्यून न्यूज 24.7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार शाम को कश्मीर के गंदेरबल जिले के इलाके में हुए भीषण आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। इस हमले में 6 निर्दोष मजदूर और एक डॉक्टर की जान चले गई थी। जांच के लिए एनआईए की एक विशेषज्ञ टीम सोमवार को घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसने हमले के तमाम सबूत इकट्ठे करने और विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की। अधिकारियों के अनुसार एनआईए की टीम का नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जा रहा है। टीम हमले से जुड़े विभिन्न कोनों पर गौर करेगी और आतंकियों की पहचान के साथ साथ उनके उद्देश्यों का पता लगाने का प्रयास करेगी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने कहा, एनआईए इस हमले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की गहराई से जांच करेगी, ताकि हमले के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके, जिम्मेदार तत्वों का पता लगाया जा सके। हमले में घायल हुए एक मजदूर जिसने अपनी जान बचाने के लिए आतंकियों के हमले से भागने की हुई कोशिश की, उसने बताया कि हमला अत्यंत खौफनाक था। आतंकवादियों ने अचानक निर्माण स्थल पर हमला कर दिया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। इस हमले के दौरान मजदूरों को निशाना बनाया और गोलाबारी की गई, जिससे 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले की गंभीर निंदा हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे कायराना हमला करार दिया है और कहा कि इस तरह के हमले शांति और स्थिरता को बाधित करने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और कहा कि राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा, यह हमला हमारे लिए एक बड़ा दा है और हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करेंगे। गंगागिर का इलाका आमतौर पर शांतिपूर्ण माना जाता था, लेकिन यह हमला इस इलाके में अचानक से बढ़ती आतंकी गतिविधियों का संकेत हो सकता है। एनआईए की जांच में इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आतंकियों ने मजदूरों और डॉक्टर को क्यों निशाना बनाया और उसके पीछे की साजिश क्या थी। एनआईए की जांच पूरी होने के बाद ही इस हमले से जुड़े असल कारणों का जो है वो पता लगाया जा सकेगा, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24.7।